एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं शामी से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने जो अभी सुबह का वीडियो शूट किया था वो मैंने अभी पोस्ट कर दिया है। तो अभी हो रहा है 6:30 समय और मैंने बनाई है चाय और चाय के साथ थोड़े से नमकीन और ब्रेड टोस्ट किए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। तो ये रही हमारी चाय और ये ब्रेड मैंने घी लगा के टोस्ट कर लिए हैं। और ये रही हमारी नमकीन, इसमें मैंने प्याज टमाटर और ककड़ी डाली है। तो ये रहा हमारा इवनिंग स्नैक्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस लड़के को, इसने क्या हाल किया बेडशीट का, पूरे में पाउडर पाउडर। मुंह तो दिखा भैया, आई रे आई रे आई रे कर रहा, बस करो चलो। ये पाउडर की हालत का किया निकाल निकाल के, और इसी ने पूरा ये पाउडर निकाला इस डिब्बे का। देखिए जरा इसको, ये लड़का इतनी शैतानी करता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके चक्कर में मेरा कोई काम नहीं हो पाता है, मुझे खाना बनाना है और ये देखिए ये परेशान कर रहा है मेरे को। तुम इतना पहचान काहे करते हो, काहे करते हो इतना पहचान? चलो बंद करके रख दो, रख दो भैया। भैया इतना पहचान नहीं, काला कालो यार, डुगो। आई रे पफ उठा के रखो बेटा पाउडर का, उसको इसमें रखो डिब्बे में। आहा पूरा चद्दर गंदा कर दिया रे लड़के, गले में लगाते हैं मुंह में नहीं लगाते, गधा। चलो बाश बाश। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये है मेरा दूसरे दिन का वीडियो। मैंने फिर नाइट को कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो यहाँ भी मैं नाश्ते में बेटी के लिए बना रही हूँ पास्ता। तो ये मैंने पास्ता बॉईल कर लिया है। ये मैंने प्याज लहसुन टमाटर और ये टमाटर सॉस मैंने निकाल के रख लिया है। तो ये जब हमारी कढ़ाई हो जाती है तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने दाल निकाली है कुकर में, दाल धुल के जब तक बॉईल होने के लिए रख दूँगी तो मेरी एक साइड लंच की भी तैयारी होती जाएगी। और मेरे हस्बैंड और मेरी ननन नाश्ता करके जा चुके हैं अपनी जॉब पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी कढ़ाई हो चुकी है, मैंने डाल दिया है यहाँ पर जीरा, ढेर सारा लहसुन, और मैं मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि मेरी बेटी खाएगी और मेरा बेटा भी थोड़ी बहुत खा लेता है इस वजह से। अब हम डालेंगे प्याज, प्याज हो जाएंगे तब हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स प्याज है हमारे पिंक हो चुके हैं, इसको ज़्यादा पिंक अप नहीं करेंगे। इसमें मैं डालूंगी टमाटर, और मेरे पास कोई वैसी वेजिटेबल थी नहीं हरी, शिमला मिर्च वगैरह भी जो मैं इसमें डालती हूँ, उस वजह से मैंने सिर्फ इसी को डाला है। प्याज और टमाटर ही मैंने डाले, अब मैं इसमें डालूंगी डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ी ही डालूंगी। हम इसको करेंगे मिक्स, मैंने इसमें नमक प्याज भूनते समय डाल दिया था इसलिए मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला। ये जब भून जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने निकाले हैं ये चीज़ के स्लाइस, तो ये आधा चीज़ स्लाइस मेरी बेटी ब्रेड के साथ यूज कर चुकी है, और ये एक पूरा चीज़ स्लाइस चाहिए। मैं चीज़ स्लाइस डालूँगी, और
अब मैं इसमें डालूंगी मसाला। तो फ्रेंड्स इसमें मुझे मसाला डालना है, तो ये मेरा प्याज टमाटर हो चुका है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी जिसमें मैंने पास्ता बॉईल किए थे। देखिए अभी मेरे अंदर इसमें पास्ता है अभी थोड़ा सा बस, ताकि बहुत क्रीमी बने। आप चाहें इसमें मेयोनीज वगैरह आती हैं वो डाल सकते हैं। थोड़ी सा पानी डाला मैंने। और ये है मैगी मसाला, पास्ता मसाला नहीं है, ये है मैगी मसाला। मेरे पास ऐसे रखे थे, टमाटो केचप के साथ फ्री आए थे 10 पैकेट, वही मैंने एक पैकेट डाल दिया है। थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पास्ता, तो आपको दिखाती हूँ। सो ये चिपक गया पूरा, इसे मैगी चिपक जाती है। तो ये हमने पास्ता इसमें डाल दिया है। अभी हम लोग इसमें सॉस एंड चीज डालेंगे। चीज डाल के हम इसको 5 मिनट ढक के रख देंगे। और धनिया नहीं है मेरे पास, नहीं तो ये धनिया में डेकोरेट करते तो बहुत सुंदर लगता है। बहुत अच्छा, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मेरी एक साइड उबल रही है दाल, मैं इसमें डालूंगी सॉस। मम्मी ने सॉस डाल दिया, अभी मम्मी इसे मिक्स करेगी। इसको मिक्स कर देंगे और सॉसेस का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आता है। आप इसमें चाहें तो पिज्जा पास्ता सॉस या ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस भी डाल सकते हैं। सोया सॉस कई लोग डालते हैं, कई लोग विनेगर में डालते हैं। विनेगर, हाँ, पर विनेगर नहीं, हम देसी टाइप से बनाते हैं। यहाँ दिखाओ, ऐसे मिनी सूट कर रही है, दिखा नहीं रही है अच्छे से। मेरे को डर लग रहा सीटी की होएगा ना, होने दो। अब हम इसमें डालेंगे चीज, और मेरे को लग रहा है कि गैस बंद हो गई। नहीं नहीं हुई गैस, गैस हमने कर दी। चीज मम्मी डेकोरेट करके डालेंगे। डेकोरेट इसमें हम डालेंगे चीज, चीज के भी आधी स्लाइस, चीज का आधा और एक, ये आधा तो मिनी ने पूरा ब्रेड के साथ खा खा के कितने सारे स्लाइस खत्म कर दिए हैं। मैंने तो बहुत सारे खत्म किए हैं, पर ज्यादा तो ये मैगी और ये पास्ता में लगता है चीज। अरे इस साइड से, हाँ ये खुला स्लाइस चीज स्लाइस। अगर आपके पास क्यूब हो तो आप उसको क्रश करके, मतलब वो कद्दूकस करके, कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हमारे यहाँ स्लाइस है, स्लिम कर रहे हैं, पर अब हम वो कद्दूकस वाला मंगाएंगे, क्यूब मंगाएंगे। क्यूब्स मंगा सकते हैं, ये वो भी आता है ना, स्लाइस भी आता है और वो भी आता है। हर हर हमने डाल दिया चीज, चीज डाल दिया। हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ये पक जाएगा तब फिर हम आपसे जब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीज हमारा पूरा मेल्ट हो चुका है और यम्मी सा पास्ता रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट पे। तो फ्रेंड्स ये मैंने प्लेट पे निकाल दिया है पास्ता, और क्या बोलते हैं, मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने ये मिंट से डेकोरेट कर दिया है। तो हाय फ्रेंड्स, ये डुगू हाय करो पापा। हाँ ये आप पापा है। वो बता रहा है कि उसके पापा जी लेटे हैं। हाँ पापा जी पापा। तो फ्रेंड्स मैंने दिन को कोई वीडियो शूट नहीं किया और ये डुगू हमारा खा रहा है बनाना। उसको छिलकर हटा दो, ऐसे ही खाओगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आज मैंने दिन भर में कोई वीडियो शूट नहीं किया है, मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप वो की है। और अभी हो चुका है नाइट का समय, 8:30 बज रहे हैं रात के। मुझे बनाना है खाना, तो मैंने सब्जी ऑलरेडी कट कर कर वो फ्राई, मतलब छोंक लगा दिया सब्जी में। सब्जी अभी पक रही है मेरी, तब तक मैं सोची वीडियो एंड करके और अभी अपलोड एडिट करके और अभी अपलोड राती को कर दूंगी, क्योंकि आज मेरा कोई वीडियो गया ही नहीं दिन को। वैसे तो मैं नाइटी को शूट करती हूँ और मेरी बेटी बैठी है यहाँ पे, वो बोल रही मेरे को, मैंने उसको छोटा सा मतलब छोटू सा हेयर स्टाइल बनाया आज अब दिखाने के लिए।
जब से बैठे कोई हेयर स्टाइल नहीं, मैंने इसके बाल कटवाए तो ये मैंने ये छोटी छोटी क्लेचर थी मेरे पास, छुट्टू छुट्टू से थे, मैंने इसको इसके बालों को सामने के रोल करके और मैंने एक क्लेचर लगा दी है बस, तो ये थोड़ी अच्छी लगने लगी, नहीं तो पूरे बाल मुंह में रखी रहती थी। और मैंने इसके बाल अभी कटवा दिए, इसके बाल अच्छे थे। और बर्थडे का वीडियो भी मेरा आएगा। हाँ तो इसका बर्थडे आने वाला फ्रेंड्स, इसका बर्थडे है 22 मई को, संडे पड़ेगा, तो ये लिस्ट बना कर बैठी मेरे को किसको बुलाना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, तो वीडियो आएगा तो आप देखिएगा ज़रूर। और मैं अपने फ्रेंड्स से भी आपको ज़रूर मिलाऊंगी। हाँ तो फ्रेंड्स, यदि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरा वीडियो मैंने कल रात ही से शुरू किया था, छोटी छोटी क्लिप मैंने ऐड की हैं, मैंने आज दिन भर कोई शूट ही नहीं किया क्योंकि मेरी कल से तबीयत सी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, मतलब थकान थकान सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो, तो मेरा मतलब बदन दर्द हो रहा है इस वजह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स।